السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. शेख कर्जा मांगने के क्या क्या उसूल है मैं थोड़ा सा समझाऊंगा शेख। आजकल लोग करोड़पति लोग भी कर्जा मांगते हैं, बिल्डिंग मतलब बना रहे लेकिन कर्जा मांग रहे हैं, अच्छा खासा घर में खाने पीने को है लेकिन कर्जा मांग रहे हैं, और कई लोग तो कर्जा मांगते हैं तो महीनों महीनों देते नहीं है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ शेख, कर्जा किस वक्त मांगा जाता है, कर्जे का जो हुक्म इस्लाम में है वो किस वक्त है? देखिए भाई, पहली बात आपके सवाल का जवाब देने से पहले, ये जो हमारी मजलिस है वो इस्लामी हमारे मसाइल से मुताल्लिक शरीयत का हुक्म जानने के लिए है। यहाँ पर ऐसा अंदाज या ऐसा उसलूब हमारा नहीं होना चाहिए कि हम कोई अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पर हम सीधे साधे अंदाज में शरीयत का हुक्म जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपका सवाल है कर्जा, तो कर्जे का ताल्लुक जो है वो एहसान से है। जैसे हम समाज और मुआशरे में हम बहुत सारे अफराद रहते हैं, तो हमारी शरीयत ने कहा है कि वो तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा, आपस में एक दूसरे की मदद करो, अच्छे कामों में आपस में एक दूसरे की मदद करो, अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद करो, इस पर तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीहि, हम जब तक अपने भाई की हम जब मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। तो कर्जे का ताल्लुक जो है मुकम्मल तौर से एहसान से है कि हम अपने भाई के साथ हुस्ने सुलूक करें, उसके साथ एहसान करें। अब अगर हमारा कोई भाई जरूरतमंद है, अगर हमसे वो कर्जा मांग रहा है तो हम उसे कर्जा दें और इस पर हमें बहुत ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। बाज सलफ ने तो यहां तक कहा है, हालांकि इस सिलसिले में कोई सही हदीस नहीं है, बाज सलफ ने यहां तक कहा है कि कर्जा देने का जो अजर है वो सदके से 18 गुना ज्यादा है। इस सिलसिले में एक ज़ईफ हदीस भी वारिद है, हालांकि वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कर्जा देने का अजर बहुत ज्यादा है। अब एक तो होता है कि जो कर्जा दे रहा है उसे कर्जा देना चाहिए, हम उसे कहेंगे कि भाई आप अपने भाई पर एहसान करो, उसको कर्जा दो, लेकिन जो कर्जा लेने वाला है कुछ बातें हम उससे भी कहेंगे। उससे कहेंगे कि भाई जब आपको सख्त जरूरत हो, जब आप परेशानी में हो तभी आप कर्जा लो, क्योंकि जब आप कर्जा लेते हो तो कर्जा ये एक तरह का बोझ है आपके ऊपर भाई, उसको आपको अदा भी तो करना है। तो जब आप कर्जा लेते हो, अगर बगैर जरूरत के आप कर्जा ले रहे हो तो गोया कि बगैर जरूरत के अपने सर पर एक बोझ लाद रहे हो। अगर इंसान हसास इंसान है, सेंसेटिव इंसान है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपने ऊपर जो है एक्स्ट्रा बोझ लाद करके रखे, कोई भी जो है हसास तबीयत का इंसान। तो जब आपको सख्त जरूरत हो तब आप कर्जा लो, कर्जा लेना जायज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्जा लिया, लेकिन जब आपको जरूरत हो तब आप कर्जा लो और उतना ही लो जितना आप आसानी के साथ अदा कर सको। तो ये नसीहत हम उसको करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लिए हम कह देंगे कि कर्जा लेना तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है। भाई लेना उसको है, अदा भी उसको ही करना है, और सामने वाले से जबरदस्ती भी नहीं ले रहा है, वो मांग रहा है, सामने वाले को इख्तियार है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। तो लिहाजा कर्जा लेने वाले को हम मना नहीं कर सकते कि हराम है तुम्हारे लिए लेना, उसके लिए जायज है लेना। अलबत्ता बेहतर यह है कि जब उसे सख्त जरूरत हो तब वो कर्जा ले और इतना ही कर्जा ले जितना आसानी के साथ वो अदा कर ले जाए। हाँ, एक सूरत में कर्जा लेना हराम है, वो सूरत क्या है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो चीज पाई जाती है। अगर कोई आदमी कर्जा ले रहा है और कर्जा लेने का इस कदर आदि हो गया है, वो उसको एडिक्शन हो गया है, कुछ लोगों को लत लग जाती है, उसको एडिक्शन हो गया है और वो पहले से उसके माइंड में है कि अदा तो करना नहीं है मुझे, लेते जाओ अदा तो करना नहीं है। अगर उसके दिमाग में ये बात पहले से है कि अदा नहीं करना है, तब वहां पर कर्जा लेना हराम है ऐसे आदमी के लिए। लेकिन कोई जरूरतमंद आदमी है और मुकम्मल इस अज्म और इरादे के साथ कर्जा ले रहा है कि हमें इसको अदा करना है, और जाहिर है जिसकी नीयत अदा करने की रहेगी तो वो हिसाब से लेगा,
वो जरूरत के वक्त लेगा और हिसाब से लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे अदा भी करना है, और जो टाइम देगा सामने वाले को, उस टाइम पर उसको अदा भी करने की कोशिश करेगा। हाँ, कई दफा ऐसा हो सकता है कि वो टाइम से थोड़ा लेट हो जाए, इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि वो इनका नदू उसरतिन फनदरतुन इला मैसरा। अगर किसी आदमी ने कर्जा ले लिया, किसी मजबूरी की वजह से थोड़ा टाइम से नहीं अदा कर पा रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम दो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई इंसान लत लग जाए उसको कर्जा लेने की और हर आदमी से कर्जा मांगते फिरे और पहले से उसके नियत में हो कि देना तो है नहीं। तो ऐसे आदमी के लिए कर्जा लेना हराम है, और खास तौर से अगर बगैर जरूरत के ले रहा है तो। और ये चीज भी देखने में आई है, हर आदमी इसको जानता है समाज में, कि जिन लोगों की आदत इस तरह की बन जाती है कि कर्जा ले लिए टाइम से नहीं दे रहे हैं या दे ही नहीं रहे हैं, टाल मटोल मार रहे हैं, ऐसे लोगों को एक टाइम के बाद कोई कर्जा देने वाला नहीं मिलता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, और वो टाइम बहुत जल्दी आ जाता है, कि फिर उनको कर्जा देने वाला कोई मिलता ही नहीं है, वो परेशान रहते हैं। फिर वो तरह तरह के हीले बहाने कहते हैं, मैं तो परेशान हाल हूं इसलिए मुझे कोई कर्जा नहीं देता है। भाई, आपने अपना रिकॉर्ड जो बना रखा है उसकी वजह से कोई आपको नहीं देता है, सामने वाले को पता है कि आप देंगे नहीं, इसलिए कोई नहीं दे रहा है। वरना अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता तो इस समाज में आपके आसपास ऐसे दसियों लोग हैं जो आपको टाइम पर कर्जा दे देंगे। तो बहरहाल खुलासा ये कि कर्जा उसी वक्त लें जब आपको जरूरत हो, कर्जा उतना ही लें जितना आसानी के साथ आप अदा कर सके। कर्जा जब आप लें तो आपकी नीयत ये हो कि मुझे इसे टाइम पर अदा करना है। अगर कर्जा अदा करने की इस्तेआत आप रखते हैं टाइम पर, उसके बाद भी आप टाल मटोल करते हैं, तो ऐसे आदमी के सिलसिले में सख्त वईद आई है हदीस में, मतलुल गनी जुल्मुन, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है कि अगर कोई आदमी कर्जा लौटा सकता है फिर भी टाल मटोल मार रहा है तो ये जुल्म है। ये युहिल्लु इर्दहु, ऐसे आदमी की इज्जत हलाल हो जाती है। भाई, जब आप अदा नहीं करोगे तो सामने वाला आपको बुरा भला कहेगा, आपकी इज्जत से खेलेगा, तो गोया कि आपने अपनी इज्जत को खुद ही हलाल कर दिया उसके लिए। तो जब कर्जा ले तो उसे टाइम से लौटा दे। अगर हो सकता है कभी कभार कोई परेशानी हो जाए तो सामने वाले को भी चाहिए कि थोड़ा सा आपको वो टाइम दे। लेकिन ऐसे लोग जिनको कर्जा लेने की लत हो जाती है और पहले से ही नियत होती है कि कर्जा अदा नहीं करना है, तो ऐसे लोग कर्जा लेकर के गुनाह का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, जो एडिक्ट होते हैं, जो कर्जा लेते हैं, हर किसी से लेते हैं, तो जैसे आपने हदीस सुनाया, आपने इज्जत हलाल कर लेता है, तो लोग इसकी बुराइयां करते हैं ऐसे इंसान की, भाई इसको कर्जा मत दो, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, तो ऐसा बुराई करना चाहिए, ये गीबत में आएगा। भाई देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्यों बता दिया कि इज्जत हलाल कर लेता है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। और एक आदमी है जो एडिक्ट है कर्जा लेने का, जाहिर है वो जब किसी से कर्जा मांगेगा तो हमको पता है कि जो मांग रहा है उसका कर्जा भी अदा नहीं करेगा, क्योंकि इसने मेरा नहीं अदा किया हुआ है। तो मैं अपने उस भाई को होशियार करूंगा कि भाई देखो, इससे होशियार रहना, ये आदमी ऐसा ऐसा है। तो ये जो मैं होशियार कर रहा हूं, ये गीबत नहीं कर रहा हूं, मैं सामने वाले की खैरखाही कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह तुम भी फंस जाओ। तो ये गीबत नहीं है।